हेलो फ्रेंड, आई एम शिवानी। आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसका एम है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जीएम काउंटर एंड हैंस टू फाइंड दिस ऑपरेटिंग वोल्टेज। जीएम काउंटर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करना एंड उसकी सहायता से ऑपरेटिंग वोल्टेज को निकालना। तो सबसे पहले हम इसके लिए एपरेटस रिक्वायर्ड देखते हैं। इसके लिए हमें लगेगा ट्रायोड गाइगर काउंटिंग सिस्टम, जो ये कुछ इस तरह से है। एक गाइगर मोलर ट्यूब लगेगी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सबसे पहले हम इस काउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं। इसमें लगा हुआ है एक हाई वोल्ट्स के दो नॉब लगे हुए हैं। इससे हम इसमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उससे कंट्रोल करते हैं। इस नॉब की सहायता से हम वोल्टेज को जो कंट्रोल करते हैं वो थोड़ी हाई रेंज में होता है, और जब हमें बिल्कुल धीरे धीरे से वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है तब हम इस नॉब को घुमाते हैं, और जो हमारा जो डिस्प्ले है ये वोल्टेज को शो कराता है। सेकेंड, हम जब आते हैं दूसरे डिस्प्ले मोड पे, तो यह काउंटिंग सिस्टम यह जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं उन्हें काउंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। इसके नीचे जो थ्री बटन्स लगी हुई है ये रीसेट, स्टार्ट और स्टॉप की है। जब हम काउंट करते हैं तब इन बटनों का यूज़ किया जाता है, रीसेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एंड स्टॉप के लिए। इसके आगे जो एक और डिस्प्ले मोड लगा है, जो टाइम डिस्प्ले मोड है, इस काउंटिंग सिस्टम में यह टाइम डिस्प्ले मोड 30 सेकंड पर फिट है। इट मीन्स अगर हम इसे स्टार्ट करेंगे तो यह 30 सेकंड तक ही नापेगा और उसके बाद रुक जाएगा, और यह ऑफ एंड ऑन स्विच। इसके बाद हम गाइगर मोलर ट्यूब पर आते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में लगी हुई है ट्यूब ऊपर साइड, आप इसे देख सकते हैं, और इसके नीचे कुछ डिस्टेंस लगा हुआ है, क्योंकि ये गाइगर मोलर विंडो है जिसके अंदर गाइगर मोलर ट्यूब रखी हुई है। और इसके प्रिकॉशंस ये है कि इस गाइगर मोलर ट्यूब को हम पीछे से टच नहीं कर सकते, इससे बहुत सावधानी की पूर्वक हमें यूज़ करना होता है। इसमें कुछ सेंटीमीटर्स के स्लॉट्स बने हुए हैं। ये जो एक स्लॉट है वो 1 सेंटीमीटर का, इसे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे एक और दो स्लॉट हुए थे, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुई, इस तरह 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुई। तो इसी तरह डिस्टेंस के यहाँ पे सेंटीमीटर के थ्रू लगा हुआ है, और इन्हीं स्लॉट्स में हम अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखते हैं। और इसका ओपनिंग विंडो भी है, इस तरह से हम ओपन करते हैं, और इस स्लॉट में, अलग अलग स्लॉट में हम अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस तरह से रख सकते हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर, 1 और 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया। इसके आगे हम आते हैं अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर, जो कि बहुत सावधानीपूर्वक रखा गया है, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव डिके में हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। इस रेडियो एक्टिव डिके को एक लेड की प्लेट में रखा हुआ है। देखिए ये लेड का कोडिंग है, ताकि इससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना करें। और जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है सीजियम, कुछ इस तरह का है ये सीजियम 137, आप देख सकते हैं इसे, सीजियम 137 हम इस प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे, जो पीटे पार्टिकल को इमिट करता है। इसे हम वापस रख देते हैं। अब हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के लिए हम केबल को अपने काउंटर सिस्टम की केबल को जीएम ट्यूब के साथ लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए हम सबसे पहले यदि हम अपना जो सिस्टम है अगर इंटरचेंज करके लगा दें तो गाइगर मोलर सिस्टम डैमेज हो सकता है, इसलिए हम रेड पिन को रेड पिन के साथ ही लगाएंगे, और इसे सावधानीपूर्वक करना है, टच नहीं करना है। अब हम इसे परफॉर्म करते हैं। सब परफॉर्म करने के लिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को प्लेट पर रखेंगे। इसे हमने इसे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी थ्योरी भी बताती हूँ। जैसे हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस गाइगर मोलर विंडो पे रखा हुआ है, यहाँ पे इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि सीजियम है, इससे बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे, और ये पार्टिकल जब इमिट होंगे तो इस गाइगर मोलर ट्यूब जो इसके ऊपर बनी हुई है इस ट्यूब के अंदर जाएंगे, जिस ट्यूब के अंदर एक सिलेंड्रिकल कैथोड बना हुआ है कॉपर का, और उसके अंदर एक कोएक्सियल वायर है जो है टंगस्टन का। जो वायर है वो एनोड का काम करता है, और जो कॉपर है वो कैथोड का काम करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और इस ट्यूब के अंदर ज़ीनॉन गैस भरी हुई है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हम वोल्टेज ऑपरेटिंग करते हैं उससे कम होता है। जब यह बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स इस ट्यूब के अंदर जाते हैं तो वो एनोड की ओर आकर्षित होते हैं, और उसके थ्रू
आगे बढ़ते हैं, और जो मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का जो पेयर होता है उनमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सियल वायर के पास जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो सिलेंडर की ओर जाते हैं, और इसके आगे जाकर इस काउंटर में हम उन जो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उन्हें काउंट करते हैं उनकी क्वेंचिंग के बाद। तो हम देखते हैं कि हमने 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। अब हम इस अपैरेटस को ऑन करते हैं। सबसे पहले इसे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें एक साथ दोनों नॉब को दबाना है, कि रेड जो प्रेसिंग नॉब है इसके साथ साथ हमें ये नॉब भी दबा के रखना है, एंड देन इस नॉब को बढ़ाना है, तो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। पहले हम इसे 300 पे सेट करेंगे। अगर हमें इसे कम रेंज में बढ़ाना हो तो इस नॉब को यूज़ करेंगे। देखिए 300 वोल्टेज पर सेट हो चुका है। अब हम इसे रीसेट की बटन दबाते हुए रीसेट करेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे, तो यह 30 सेकंड में यह इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेगा। देखिए 300 वोल्टेज पर यही इनसे 0 इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, इतने समय हम जो रीडिंग लेंगे 300 के लिए काउंट इसमें जो इलेक्ट्रॉन की रीडिंग लेंगे वो 0 लेंगे। अब हम वोल्टेज को आगे की रेंज में बढ़ाते हैं, हमने 300 लिया था, अब इसे 400 करते हैं। इसी बढ़ाने के लिए हम पुनः रेड बटन को प्रेस करेंगे और उसके साथ साथ वोल्टेज नॉब को घुमाएंगे और वोल्टेज को 400 तक लेके जाएंगे। देखिए 400 पर सेट है, उसे फिर से रीसेट करेंगे देन स्टार बटन प्रेस करेंगे और हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे 30 सेकंड में। थर्टी सेकेंड में जो हमारे 400 वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किया था उसके लिए 275 इलेक्ट्रॉन्स हमारे काउंटिंग सिस्टम में आए हैं, तो हम 400 वोल्ट के लिए 275 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। इसी तरह हम आगे इस बटन को प्रेस करते हुए वोल्टेज को 500 तक ले जाएंगे। उसके लिए भी हम इसे रीसेट करके फिर स्टार्ट बटन दबा के इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। यही प्रोसेस हम अपनी अलग अलग डिस्टेंस के लिए ले सकते हैं। जैसे अभी हमने 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए तो 300 और 400 पे अपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए थे, उसी तरह आप आगे बढ़ाते जाना है उसे 300 से लेकर 900 वोल्ट तक हम इसे यहाँ पे दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम हाई वोल्टेज देंगे तो जीएम काउंटर डैमेज हो सकता है, ये इसके प्रिकॉशंस है। इसी तरह हम अलग डिस्टेंस से 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, अपने हिसाब से डिस्टेंस लेकर वोल्टेज और जो काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं। देखिए इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। जैसे हमने मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस के थ्रू ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर जिससे में हम 300, 400, 500 से लेकर 900 तक वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, तो हमारे जो काउंटर सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह आए थे। और वैसे 6 सेंटीमीटर वोल्ट पर जब हमने ये सारे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जब हमने वोल्ट अप्लाई किया था 300 वोल्ट 400 वोल्ट, तो हमने जो नंबर ऑफ काउंट वो निकाले हैं वो कुछ इस तरह के हैं। और जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ये वही जीएम ट्यूब का डायग्राम है जो जीएम विंडो के अंदर लगी हुई थी। ये यहाँ पे एक होलो सिलेंडर ऑफ कॉपर की कैथोड है और जो टंगस्टन वायर जो कोएक्सियल लगा हुआ है वो एनोड है। क्योंकि एनोड इसलिए क्योंकि हम इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और जो सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं इसलिए एनोड कहलाता है, और नेगेटिव टर्मिनल से हम होलो सिलेंडर को जोड़ते हैं तो ये कैथोड कहलाता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के थ्रू यहाँ पे क्विंचिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और देन हम अपने एम्पलीफायर में इसे फाइन करते हैं। अब हम इसका कर्व देखते हैं। जीएम काउंटर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करने के लिए हमने अपने अप्लाइड वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर एंड देन जो हमें नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसे वाई एक्सिस पर लिया है, और एक्स एक्सिस का 1 डिवीज़न है 100 वोल्ट एंड वाई एक्सिस का 1 डिवीज़न है 20 काउंट्स। हमने अपनी जो 3 सेंटीमीटर की रीडिंग ली थी उसके थ्रू यह ग्राफ प्लॉट किया है। यह ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे 0 से लेकर 300 वोल्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी इस तरह से है। अब हम इसकी इस ग्राफ की सहायता से अब
ऑपरेटिंग वोल्टेज को फाइंड करेंगे। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम इस जो हमें कर्व फाइंड हुआ है उसका प्लेट्यू यानी जो पठारी भाग हम इसे कह सकते हैं कि लाइक दिस तरह से थोड़ा ऊपर जाकर प्लेन हुआ भाग है, इस भाग के जो रीजन है जो रीजन बना हुआ उसका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट लेने के दो तरीके, एक तो हम जो रीजन है उसका एंड और फर्स्ट एंड एंड पॉइंट से डिवीजन निकाल के 800 वोल्ट निकाल सकते हैं, या फिर इसका जो मिडिल पॉइंट जो आ रहा है हमें वो भी 800 वोल्ट मिल रहा है, तो जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा वो होगा 800 वोल्ट, जो इस कर्व की सहायता से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम अपना थ्रेशोल्ड वोल्ट भी इसे जो नीचे वाला जो प्लेटों के जो पहले जो नीचे जो एक कर्व बना हुआ है वहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। यही हुआ हमारा कि जीएम काउंटर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व और उसकी सहायता से ऑपरेटिंग वोल्टेज। थैंक यू।